हाय एवरीवन आई विश कि आप आपसे बहुत खुश हैं बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम कैनेडा के बारे में बात करेंगे कैनेडा के स्पाउस वीज़ा को लेकर एक अपडेट है इस टाइम कैनेडा का जो बैकलॉग है वो कम हुआ है बट स्पाउस वीज़ा के, के केसेस का बैकलॉग थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि नए लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये न्यूज़ आपको ऑनलाइन दिखा दूँ उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सुनाओ so आप देख सकते हो ये है सी आई सी न्यूज और यहाँ पर इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी है इसको पढ़ लेते हैं कैनज इमिग्रेशन बैकलॉग डिक्रीज टू टू पॉइंट फोर मिलियन पीपल यानी कैनाड का जो बैकलॉग है वो पहले से बहुत कम हो गया है टू पॉइंट फोर मिलियन पीपल का हो गया इस टाइम और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है टेंथ नवंबर बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आगे लिखा हुआ है कैन इमिग्रेशन बैकलॉग हैज़ ड्रॉप टू जस्ट ओवर 2.4 मिलियन अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा ऑप्टेन फ्रॉम इमिग्रेशन आई यानी कि जो नया डेटा भी मिला है उसके हिसाब से दो मिलियन तक ये ड्रॉप हो चुका है इसके अलावा इन्होंने जो मेन चीज़ हमें जो डिस्कस करनी है कि इस टाइम कितना स्पाउस पाउस भी जगह केसेज़ हैं अभी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली क्लास इन्वेंट्री और यहाँ पे लिखा हुआ है द इवेंट्री फॉर ऑल फैमिली क्लास इमिग्रेशन प्रोग्राम्स इज़ अपू तो वन लाख ट्वेंटी एट टू अक्टूबर थर्ड वेन इट वॉज वन यानी कि अगर हम अक्टूबर तीन की बात करें तो पहले बैकलॉग था स्पाउस वीज़ा का एक लाख पच्चीस हज़ार चार सौ अट्ठासी केसेज थे इनके पास अब हम देखें लेटेस्ट अपडेट जो है उसमें ये एक लाख अट्ठाईस हज़ार एक सौ बारह हो गया यानी कि पहले से कह सकते हो कि तीन हज़ार केसेज अभी बढ़ गए हैं क्योंकि आपको पता है कि नए नए लोग अप्लाई करते रहते हैं जैसे जैसे जब सब कैंडिडेट्स uh, को लगता है कि उनको अप्लाई करना है तो जिसकी वजह से ये बैकलॉग बढ़ रहा है आगे लिखा हुआ द स्पाउस एंड पार्टनर प्रोग्राम इज़ अमंग द लार्जेस्ट इन्वेंट्रीज अमंग ऑल लाइन्स ऑफ बिजनेस एक्ट सिक्सटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एटीन अमिनिमल इनक्रीज कम्पेयर टू अक्टूबर थर्ड यानी कि स्पाउस वीज़ा की जो कैटेगरी है इसमें आप कह सकते हो कि यही सबसे लार्जेस्ट इन्वेंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस बढ़े हैं ये आप ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट है बिख्य बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए पूरी दुनिया से और अभी हम देखें जो इस टाइम जो बात हो रही है कि कब तक ये बैकलॉग खत्म हो सकता है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस्पाउस वीज़ा के लिए स्पेशली बता रहा हूँ आई आई सी सी वर्किंग ऑन द बैकलॉग IRCC has acknowledged the backlog and says it is taking steps to improve the speed. एट विच एप्लीकेशन आर प्रोसेस्ड यानी कि बहुत बड़ी बात है कि आई आर सी सी इस बात को मान रहा है कि ये बैकलॉग है और वह बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इंप्रूव करने की कि तेज़ी से स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जल्दी जल्दी केसेस को प्रोसेस किया जाए आगे उन्होंने लिखा है जो जानना बहुत ज़रूरी है द डिपार्टमेंट एम्स टू हैव अ लेस देन फिफ्टी परसेंट बैकलॉग अक्रॉस ऑल लाइन्स ऑफ बिजनेस बाय द एंड ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यानी कि मार्च दो हज़ार तेईस तक आई आर सी सी का टारगेट है कि जितने भी इमिग्रेशन हैं यानी कि स्पाउस वीज़ा के 50 परसेंट से ज़्यादा बैकलॉग केसेस ये खत्म कर देंगे फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम में एक लाख अट्ठाईस हज़ार हैं तो कह सकते हो कि वो आधे हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों को स्पाउस वीज़ा दिया जाएगा जितनी जल्दी हो सकता है क्योंकि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छी खबर है सो आई होप कि ये जो गुड न्यूज़ है ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको समझ में आ गई है एंड जस्ट अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना शेयर करना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए हमसे सवाल पूछें हम आपको रिप्लाई करेंगे अगर आपको ये वीज़ा लगाना है स्पाउस वीज़ा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हम आपकी मदद करेंगे सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए